जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिल्म फेस्टिवल का आगाज जो है 3 दिन पहले ही हो गया था, लेकिन अगर बात की जाए थर्ड डे की, तो थर्ड डे पर होम सेक्सुअलिटी जैसी मूवीज को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जगह दी गई है। हमने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की मूवीज को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए पेंटिंग्स की, तो यहाँ पर दुनिया भर के आर्टिस्टों की 250 सिलेक्टिव पेंटिंग्स जो है यहाँ पर दिखाई गई है। ऐसे में अगर हम बात करें दर्शकों की, तो व्यूवर्स यहां पर आ रहे हैं, काफी पसंद कर रहे हैं इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। दिल्ली में आगाज हुआ थर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इस मौके पर जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुभाष घई ने शिरकत की। दिल्ली में एक अपना खालीपन आ गया था, जिसकी पूर्ति मैं समझता हूं कि आज दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने कर दी है, 3 सालों से की है, और ये हर साल पिछले साल से बेहतर होता जा रहा है। ये बहुत जरूरी था दिल्ली के लिए, जो कि दिल्ली एक सांस्कृतिक राजधानी भी है, इसमें सब प्रकार के सांस्कृतिक लोग आते हैं, यहाँ पर भाषाएं हैं, लोग हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी था एक फिल्म फेस्टिवल का होना, और मुझे खुशी है कि आज इन्होंने मुझे अवार्ड दिया मेरे छोटे से योगदान में, जो भी सिनेमा में मैंने किया, और आज इन्होंने मुझे जो किया है मैं उसका आभारी हूँ। इस फेस्टिवल में 250 फिल्मों को जगा दी गई है। आपको बता दें कि इस फिल्म फेस्टिवल को इंडियन सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर शुरू किया गया था। दिल्ली में ये थर्ड फिल्म फेस्टिवल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में ज्यादातर पाकिस्तानी और बांग्लादेश फिल्मों को जगा दी गई है। इस फेस्टिवल में न सिर्फ फिल्मों को बल्कि दुनिया भर के आर्टिस्टों की कला यानी पेंटिंग्स को भी जगा दी गई। मैडम, ये थर्ड दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, फिर मैंने फेस्टिवल के बारे में आपको बताऊंगा। ये पहला फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल, जहाँ पेंटिंग को एक स्पेस दी गई है। आगे गोवा में, मुंबई में बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल होते रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। वो 3 साल से ये पेंटिंग का, पोइट्री का और बहुत सारे इवेंट एक साथ कराता है। हमारे पास टोटल ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड से तकरीबन 850 पेंटिंग जहाँ पहुँची थी, उसमें से हमने सिलेक्शन की है 250 पेंटिंग। अभी ये पेंटिंग डिस्प्ले है, 220 पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये डिस्प्ले और ऑल ओवर इंडिया से पहुँची। आज फिल्म फेस्टिवल का थर्ड डे है, और इस मौके पर यहाँ लगी पेंटिंग्स को काफी संख्या में लोग देखने आ रहे हैं। इस फेस्टिवल को खूब लोग पसंद कर रहे हैं। फिल्म फेस्टिवल में आए हैं, और यहाँ पर ये जो आर्ट गैलरी में देखे हैं पेंटिंग्स, पूरी इंडिया के स्टेट से आई हैं यहाँ पर, और डिफरेंट हर मीडियम में इसका देखने को मिला, और एक मुझे यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन की छवि देखने को मिली है। वहाँ पे बैठ के वो राजेश खन्ना का पूरा प्रोग्राम देख रहे थे, और कॉफ़ी पिया बैठ के बहुत देर तक, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और अच्छा लग रहा था वहाँ पे, उठने का मन नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं एक पेंटिंग नहीं, यहाँ पे बहुत बहुत सारे आर्टिस्टों ने अपनी पेंटिंग्स लगाई हैं, और उनमें मुझे बहुत सी पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी लगी। फिल्म फेस्टिवल बहुत अच्छा है, यहाँ पे नीचे उसमें ऑडिटोरियम में मूवीज चल रही हैं, और ऊपर किसी पिक्चर का एक प्रमोशन हो रहा है, और एक किसी बुक का प्रमोशन भी हो रहा है, तो उसमें बैठ के हमने कॉफी वगैरह पी और देखा, काफी अच्छा लगा और हमने उसको एंजॉय किया। जाहिर है कि लोगों को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इंतजार रहता है, और साल में इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने काफी सुर्खियां बटोर ली हैं। को बता दें कि इस फिल्म फेस्टिवल का आगाज जो है इंडियन सिनेमा के पूरे 100 साल पूरा होने पर किया गया था, जभी के बाद से हर साल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली में किया जाता है। जाहिर है कि दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल को लोग जो है काफी पसंद कर रहे हैं, और जिस तरह से फिल्म फेस्टिवल्स में मूवीज को दिखाया जा रहा है, पेंटिंग्स को तवज्जो दी जा रही है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि लोग जो है इसको, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को पसंद कर रहे हैं। और जहां तक अगर बात की जाए फिल्म फेस्टिवल की, तो लोगों की जिस तरह से रुचि फिल्म फेस्टिवल में बढ़ रही है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि यकीनन फिल्म फेस्टिवल ने एक अपना अलग ही जगह दिल्ली में बना ली है, या ये कहे कि दिल्ली के दिल में भी फिल्म फेस्टिवल ने अपनी जगह बना ली है। कैमरा पर्सन अंकित कौशिक के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।